वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी थी जब मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे बोला था करके टच का फोन। मैंने बोला ये टच का फोन इज क्वाइट ट्रेंडिंग, आजकल सबके पास ये फोन होता है और रील्स आजकल सब लोग ज्यादा, से गाना बहुत कैची गाना है। सो ये सोचकर मैंने ये इनपुट अपना डाला करके कि आई वांट टू डू दिस सॉन्ग एंड आई वांट टू मेक इट करके इंस्टाग्राम ऑन द नेक्स्ट लेवल, ग्लोबल पे धूम मचा दोगी, सारे इंटरनेट पे धूम मचा दोगी। सो या अब आपका काम है करके कि ये गाने को ग्लोबल ही धूम मचाना है। सो प्लीज प्लीज शावर योर लव टू आवर सॉन्ग एंड जितना भी हम सब ने मेहनत की है, प्लीज प्लीज मेक लॉट ऑफ रील्स वीडियोस एंड शावर योर लव विद एंड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच गाइस। अरे वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब करना क्यूट लुक अपना जो गाना है क्यूट लुक एंटरटेनमेंट पे है यूट्यूब पे, तो अब्राहम भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर प्लीज। बहुत मेहनत की है भैया, थोड़ा तो लिहाज करो और मारो स्वाइप अप और बनाओ रील। क्या बात है, यस वी नीड योर लव एंड विद दिस आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट यू मोर, यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लवली अपॉर्चुनिटी, वी कैन सी ऑन स्क्रीन एंड हाउ गॉर्जियस एंड हाउ वेल यू प्लेड योर कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। So I would like to ask you, how was your overall the journey? 8 hours में जैसे आपने shoot किया, तो shooting के वक्त का कोई experience आप share करना चाहेंगे अपने colleague के साथ? मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स किए हैं लाइफ में एंड दिस वॉज अ म्यूजिक वीडियो एंड इट हैड अ इम्पैक्ट ऑफ अ टच ऑफ आइटम नंबर इन इट। सो मेरे लिए बहुत इंथुजियास्टिक था करके कि ये म्यूजिक वीडियो होने वाला है एंड इट विल बी रीचिंग, बिकॉज मूवीज करते हैं तो कुछ कुछ नहीं दिखते, बट म्यूजिक वीडियो आजकल ओवरऑल ग्लोबली लोगों के पास पहुँचता है। सो या दिस वॉज वन ऑफ माई थिंग ऑल्सो करके एंड शूटिंग करने के टाइम पे जो जो मुझे बॉब और पवन बोलते जा रहे थे करके, हिना मुझे ये फील चाहिए, मुझे ये फील चाहिए, मैंने सिर्फ अपने आप को वो जगह पे खड़े होकर वो फील देने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं सोचा करके कि मैं अपना खुद दिखाऊँ, बिकॉज एक क्रिएशन होता है, एक उसका दिमाग होता है, हम एक्टर्स हैं, हमको वही करना होता है जो उनकी थिंकिंग है। जब हम हमारा खुद का करते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फॉलोइंग अप एवरीबॉडीज थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और आई डोंट नो, आई लव डांसिंग टू द कोर, मतलब मुझे इतना डांसिंग पसंद है कि मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। तो जब उन्होंने एक्सप्रेशंस बोले तो इट जस्ट केम आउट इनसाइडली, और जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे वो काम करना ही पसंद है। आई थिंक सो मुझे लाइफ में काम करना ज़्यादा पसंद है। सो या इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद बॉब पवन एंड जो हमारे डायरेक्टर थे, जो फाइनेंसर थे, जो भी थे, उन्होंने इतना फैमिली बॉन्ड दिया है, मतलब वो मुझे लगा ना कि मैं काम काम करने जा रही थी, इट वॉज लाइक हीना यार तेरा गाना है तू कर ले यार, बिंदास कर ले, तू सोच मत, तू इतना भी सोच मत, मैं आई एम एक्चुअली लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बी लाइक क्या बोलते हैं क्रिकेट सोफिस्टिकेटेड, आई एम अ वेरी बिंदास एंड अ वेरी आउटवर्ड पर्सन एंड वेरी बोल्ड इन माई वे। सो या आई पुट इन माई 100% इन टू इट एंड दिस इज हाउ वी गॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर सॉन्ग टच का फोन दिला दे। वो गाना हमको पहले सुनाया था नीलेश ने, समीर भाई ने, और बोले थे कि देखो ये गाना है टच का फोन, इसको आप लोग विजन करो कैसे शूट करना है, कैसे डायरेक्शन होगा इसका, ये वो। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि इंटरफेरेंस नहीं था, प्रेशराइजेशन नहीं था, हम पे छोड़ दिया था पूरा, आप लोग आपके हिसाब से सेट डिजाइन करो, कॉस्ट्यूम अपने हिसाब से दो, कोरियोग्राफी अपने हिसाब से दो, डायरेक्शन अपने हिसाब से दो, टेकिंग वगैरह एडिट वेडिट जो भी था, तो इसके लिए आउटपुट बहुत अच्छा है इसका। स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगा समीर भाई और नीलेश को, क्या छोड़ दिया था हमारे पे पूरा गाना। और दूसरी बात, हीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ क्या दूसरी कोई एक्ट्रेस गई थी तो थोड़ा डिफिकल्ट होता उसके साथ, बट लाइक
वन टेक चूज करना और हर टेक में अच्छा परफॉर्मेंस देना विद एक्सप्रेशन एंड ऑल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है. तो आई रियली अप्रिशिएट हर एंड हिना डिड अ वेरी गुड जॉब. और उत्तम भाई और गैंग है जो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पूरे गाने में, मतलब पूरा धूम मचाया. जितना भी आपको दिख रहा मस्ती इनकी वजह से यार, ऑफ स्क्रीन में लोग ऐसी रहते हैं जो एनर्जी रहता ना, ये लोग की वजह से स्पेशली लोग. और दूसरी बात म्यूजिक माइंड ब्लोइंग म्यूजिक दिया है पूरा, मतलब स्टार्ट टू एंड फ्लो है ना जो, वो आप बोर नहीं हो, तो मजा है इनके सबके साथ काम करके. और हमारे जो डीओपी है परवेश पठान, उनका बहुत सबसे बड़ा काम उनका था एक्चुअली, क्योंकि ये 8 आवर्स में शूट करना पूरा गाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत फास्ट है और टैलेंटेड है. तो जल्दी जल्दी लाइटिंग कर देते थे, शॉर्ट क्लोजअप्स लगाना, उसके बाद वाइड वाइड के बाद मिड, ये वो सब. तो उन्होंने हमारा बहुत टाइम बचाया. और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ उनको, परवेश पठान जी को दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि उनकी वजह से पॉसिबल हुआ ये इतना कम टाइम में शूट. थैंक यू परेश भाई. इस गाने के लिरिक्स के राइटर के बारे में बताइए, क्योंकि गाना काफी ट्रेंडी एक हो जाएगा ये, और ऊपर से काफी आज के दौर का गाना है, ट्विटर फेसबुक इंस्टा, आज का दौर पकड़ के ये दिमाग में रख के ये गाना लिखा है. तो उसमें जो आप देखेंगे ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, इंस्टा पे रील बना दूंगी और ट्विटर पे आग लगा दूंगी, वो सब को आज का जनरेशन को दिमाग में रख के, क्योंकि आजकल यही चल रहा है इंस्टा रील्स एंड ट्विटर एंड ऑल. तो उन्होंने दिमाग में रख के बहुत अच्छा काम किया है. और उसका अंतरे भी आप सुनेंगे तो उसकी लाइन्स बहुत प्यारी लिखी है उन्होंने. बेसिकली जो इसके लिरिक्स राइटर है हमारे खुद समीर भाई, लिरिक्स लिखे एंड कंपोजिशन बिहाइंड और म्यूजिक आइडिया इनका था पूरा. सो फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ही उठाया, वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुआ. तो लिरिक्स के लिए तो पूरा श्रेय एंड कंपोजिशन एंड म्यूजिक डायरेक्शन साथ में. म्यूजिक भी काफी अच्छा है सर आपका, म्यूजिक भी काफी अच्छा है और ये गाना बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है. गाने का जो ट्यून है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, यहाँ पे भी जैसे देखा बहुत ज्यादा है ना हल्ला गुल्ला हुआ. म्यूजिक किस तरह से आपने कंपोज किया, किस तरह से प्रोसेस किया? बहुत रात निकाली है भाई, बहुत कंटिन्यूस. इनफैक्ट 3 से 4 मंथ पहले तो एक ब्रेक भी आ गया था इस सॉन्ग में, देन उसके बाद फिर से जब कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ तो समीर भाई एंड मैं दिन और रात कंटिन्यूसली काम करते थे. टीम है पूरी साथ में, कुछ नया करते थे. हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने ये लीड बजाया जो जो लीड है पांडे जी ने बनाई है एंड म्यूजिक समीर भाई एंड मैंने साथ में मिलकर. हिना मैम को कैसे अप्रोच किया गया गाने में? हिना मैम को और सर को, हिना मैम को वरुण सर को, हिना मैम से हमने, हम सोच रहे थे कास्टिंग के लिए एक फेस ढूंढ रहे थे कौन सा फेस फिट होगा, तो हमको हिना मैम का भी फोटो आया, वीडियो देखे मैं हिना मैम के, तो मैं बोला दिस इज परफेक्ट फेस फॉर दिस सॉन्ग एंड देन वी अप्रोच हर एंड थैंक यू सो मच हिना जी आप गाने में. अरे थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कंसीडर भी किया उसमें. मैम यू लुक रेविशिंग इन द सॉन्ग एंड सर भी बहुत ज्यादा धमाल कर रहे गाने में और वरुण सर भी है. गाने का किस तरह जैसे का 8 घंटे में शूट हुआ, कितना मतलब मुश्किल होता है गाने इतना जल्दी शूट होना, इतना बढ़िया बनना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा इट्स नॉट एन इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है, अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट उसका फल अच्छा मिलता है. सो हम सब ने यही, और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में सिर्फ मेहनत करना, आई थिंक लक, आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है. आई जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा. जैसे अब्राहम भी अपने लाइफ में आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए ही देखा है. सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है, तो वो चाह के वजह से आज जो आपको लविशिंग और ब्यूटिफुल आउटस्टैंडिंग चीजें लगे वो सब मेहनत के बलबूते पे है. सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया नहीं, आई मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में, उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था, मैंने वो गाना सुना. जब उन्होंने मुझे गाना भेजा था मैंने गाना सुना, टच का फोन इज वन ऑफ द, मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फोन सबके पास होता है. सेकेंडली ये था कि इंस्टा है, ट्विटर है, जो कि आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मायने है लाइफ में, सब कुछ लाइफ में उनको लगता है करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है. एंड तो या ये चीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हिना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉकबस्टर द स्क्रीन राइट नाउ.
सो या मैंने वो भी सोचा. आई लाइक मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सोच होती है इंसान को कोई भी काम करने से पहले. या सो या दैट्स द रीजन आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ. पूरे गाने के लिए 8 घंटा अगर हमारे गए ना तो ऑल थैंक्स टू अब्राम. हम लोग तो सिर्फ डांस 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 कर रहे थे बट एक डांस के बीच में एक चुटकुला जो होता है ना वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था. सो या वी हैड अ ग्रेट फन इन दैट 8 आवर्स. वो लगा भी नहीं हम लोगों के गाना खत्म भी कर दिया. मेरे लिए तो शॉकिंग था बहुत क्योंकि मैंने गाने किए हैं और मैंने देखा है करके कितना स्लॉग करना पड़ता है. बट हैप्पी गो लकी के साथ काम खत्म करना इट्स अ अचीवमेंट फीलिंग. एक अचीवमेंट फीलिंग होती है, एक खुशी की फीलिंग होती है. सो दैट वॉज द इम्पैक्ट. शुरू से ही ना थोड़ा ऐसे ही था. जब मुझे समीर भाई ने कॉल किए तो पहले दिन ही लेट पहुंचा तो मुझे इन्होंने बोला भाई ऐसे करोगे. फिर मैंने गाना सुना, मुझे गाना वाकई ही बहुत अच्छा लगा. और गाना अच्छा लगने के बाद मैं रिहर्सल पे भी गया तो मुझे मिले बॉब सर, पवन सर. तो मैं थोड़ा टेंशन में था, मतलब पता नहीं कैसा होगा क्या होगा. मगर जब इन लोगों का मैंने देखा काम देखा और लोगों ने जिस तरीके से समझाया, यकीन मानो मैं एकदम खुश हो गया. मतलब अब टेंशन नहीं. यानी पता होता ना कि आदमी यार मैं जा रहा हूँ पहली बार जा रहा हूँ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. जब मैं अंदर एंट्री किया तो सर लोग से मिला तो सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए कि ऐसा ऐसा करना है. तो मैं बोला चलो कोशिश करूँगा. तो वो स्टेप मेरा ऐसे जहन में बैठा था कि मैं वहाँ भी जाके अगर मैं अपनी भी खुद की वीडियो बना तो चालू था, बोला कर लूँगा. फिर वहाँ से फिर हम लोग सेट पर पहुँचे. सेट पर पहुँचने के बाद थोड़ा वहाँ भी वो हुआ, मगर जब सबकी मेहनत देखे, यानी बॉब सर और पवन सर की, समीर भाई के, सब एकदम यानी कंटिन्यू लगे हुए थे तो मैं खुद टेंशन में था. मैं लग गया. फिर जैसे एक्शन शुरू हुआ और फिर जो एक्शन का रिएक्शन मिला तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ क्या हो गया. पूरे 1 साल का जो है मैं एक रात में नाचा 8 घंटे में. सर आपसे जान चाहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं किस तरह से मोटिवेट करेंगे? या आप सेट पे भी गए थे, कैसा आपको एक एक्सपीरियंस रहा? सर पहली बार तो एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सबका नाम इतना पता नहीं है. मैं नितेश भाई को और पवन बॉब सर को इनको तो जानते हैं, हिना मैडम को और अपने समीर सर. सेट पे भी जब मैं गया था तो मुझे 5 से 10 मिनट के ऊपर समय देने नहीं मिला. लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने गाना, मैंने पूरा देखा 2 बार, कल भी देखा आज भी देखा, तो इनका जो एक्टिंग और जो स्किल है, जो उन्होंने टैलेंट यूज़ किया है अपने सेट पे पूरा, जब सेट का जो सेटअप किया है वो ऐसा, जब सेटअप पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाने का नहीं फिल्म का शूटिंग है. तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि एक गाने के लिए भी लोग इतना मेहनत करते हैं. इसके पीछे हम तो देख लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन इसके पीछे इतना मेहनत रहता है जो ऑन फील्ड इनके वजह से मुझे देखने मिला. समीर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्यूट लुक एंटरटेनमेंट जी का नया अपने एक तरह से बैनर आई थिंक आप लोगों ने शुरू किया है, इस पर किस तरह से आप इस गाने को रिलीज कर रहे हैं और आगे कैसे कैसे गाने आएंगे द शो में? अभी ये पहला गाना है सर क्यूट लुक का, अभी बैक टू बैक गाने आते जाएंगे और सारे गाने हमारे टीम ने सुने हैं. मैं तो बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लोग बोल रहे हैं सारे गाने ये अच्छे हैं जो हमारे अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं. ऑडियो वी हैव ऑलरेडी 4 मोर ऑडियो रिकॉर्डेड रेडी. पहले तो मैं ऑडियो लेके ही सुनाता था लोगों को, वीडियो के पहले तो ऑडियो सुन के भी लोग बहुत खुश हो जाते थे, भाई ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको अपन बहुत अच्छे से करने वाले. फिर बहुत बहुत भाई मिले हमारे भाई साहब, इन्होंने तो जादू कर दिया. हिना मैम लकी चार्म लग रही है वापस से आपने आने का नाम है? अरे हिना मैम ऑलवेज लकी चार्म बोलते रहते हैं चेरी ऑन द केक. या चेरी राइट मैम. आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए मैम, जो है आप खुद कर रहे हैं इसके अलावा? अभी फिलहाल गाने ही है और कोविड के वजह से चीजें बहुत बैक हैंड पे है. सो फिर अभी फिलहाल जितना जैसे रिलीज होगी वो आपको पता चलते जाएगा और मैं अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं, हम टच के फोन के बारे में ज्यादा बात कर रहे हो क्योंकि अभी फिलहाल टीम है, मैं सोलो नहीं हूँ. इम्पोर्टेंट पवन एंड मी यूज टू बी टुगेदर, मतलब मैं आपको सबको पता होगा कि मैं बींग अ सेलिब्रिटी बिफोर दैट आई वॉज अ बैकग्राउंड डांसर. सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे. सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोग को जानते. सो इट वॉज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो साथ में काम करते हो वो अपने
एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कम्फर्ट जोन मिलता है ना, नए लोगों के साथ उतना कम्फर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है, जिनके साथ अपन ज्यादा काम करते हैं, जिनको अपन जानते हैं, तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है. मुझे वो फीलिंग था, तो इट वॉज अ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल. तो हम लोग को भी जब पवन और बॉब को जब हम लोग को जब मालूम पड़ा, मतलब हम लोग ने डिस्कस किया समीर नीलेश, हम लोग सब बैठे थे, तो कौन करेगा गाना, तो जब ये बात आया कि हिना को हम लोग लेते, तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स हम लोग भी थे, हम लोग साथ में डांस भी किए हैं, और हम लोग को हिना का पोटेंशियल पता है क्योंकि उसने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए, बहुत सारे एक्टिंग की चीजें की, तो हम लोग को पता है. तो वी वर लाइक हम लोग बहुत खुश थे कि चल हिना है तो अपने को टेंशन नहीं, मतलब डांसिंग वाइज हो गया, एक्टिंग वाइज हो गया, गाने पे जो मसाला चाहिए हम लोग को पता था कि हिमा अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा. तो फर्स्ट डे जब एक ही दिन हम लोग ने रिहर्सल किया है गाने का, तीन चार दिन ऐसा कुछ रिहर्सल हुआ नहीं है, तो जब भी हिमा रिहर्सल किया है, जो उत्तम भाई रिहर्सल पे है, तो बिफोर रिहर्सल मेरा पापा ऑलरेडी प्रिपेयर थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो जैसा वो लोग आए रिहर्सल पे, हम लोग ने बताया कि हिमा आपको ये करना है, उत्तम भाई आपको ये करना है, तो वी वर एक सरप्राइज की मतलब हम लोग ने सिर्फ 3 घंटा रिहर्सल किया, हम लोग पूरा जो शूट हुआ है, पूरा जो 4 मिनट का गाना है उसका सिर्फ हम लोग ने 1 दिन पहले सिर्फ 3 घंटे का रिहर्सल किया, और आप लोग यकीन नहीं करोगे गाना देख के तो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि आउटपुट क्या है, जो 3 घंटे का रिहर्सल था. तो इसके लिए थैंक यू सो मच हिना कि हम लोग को हिना मिली है आइटम नंबर में, तो हम लोग दोनों बहुत खुश थे, और जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने है. और कुट्टन भाई जैसा मैं बोल रहा कि मैं बहुत डरा हुआ था, ऐसा था, मैं बहुत वैसा था, तो ये तो पता नहीं ऐसे पता नहीं रहता है. जब वो रिहर्सल पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिले ना कुट्टन भाई को, तो हम लोग ऑलरेडी उनके फैन है, तो हम लोग तो ऑलरेडी खुश थे कि अरे कुट्टन भाई आ रहे, उनका गैंग आ रहा है, चलो उनका गैंग हो गया कुट्टन भाई, उनको मिलके हम लोग बहुत खुश थे कि चल हम लोग को, हम लोग तो मतलब वी आर गेटिंग द चांस टू वर्क विद देम, तो हम लोग बहुत खुश थे, नीलेश बहुत खुश था, समीर भाई बहुत खुश. तो जब ये लोग आके जब रिहर्सल पे ही एक्चुअली हम लोग को गाना दिख गया कि गाना क्या होने वाला है, दिस इज ट्रू, रिहर्सल पे ही पूरी बात हम लोग को पता चल गई थी कि भाई फुट्टन भाई क्या कर रहा है. मतलब सही सही तरीका मैं बताऊं कि अगर जो ये गाना है ना, इन दोनों की वजह से ही है, क्योंकि इन्होंने ना सेट पे संयम बहुत रखा, जो होता ना कि हाँ भाई चलो वापस ले लो कोई मुश्किल नहीं पटक से, तो यानी इन्होंने सब फटाफट होता चला गया, ऐसा है, ऐसा नहीं बहुत से जो होता ना कि क्या हमको कुछ टेंशन दे के कहीं हमसे गलत ना हो जाए, मगर वैसे हुआ नहीं क्योंकि ये लोग थे और टेंशन नहीं ले रहे थे. पवन और मैं भी बैकग्राउंड डांसर थे, उसके बाद असिस्टेंट कोरियोग्राफर बने और अभी कोरियोग्राफी करते हैं, तो हमारे सेट पे क्या होता है ना, आपको कभी शोर मिलेगा ना कभी बड़ी आवाज में कोई बात करेगा ना गालियां देगा, एकदम प्यार से काम, प्यार से काम होता है, एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द प्रोड्यूसर. आपको गाना पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सुपर हिट करो ये गाना, तो हम लोग बहुत जल्द फिर दूसरा गाना लेके आएंगे हमारी पूरी टीम.